नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष और स्वामी जी इस मनी मार्केट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे से अच्छे शेयर्स के नोटिफिकेशन दोस्तों मैं आपको जल्द से जल्द दे सकूँ। एक और शेयर मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, हमेशा की तरह पैनी शेयर है। पैनी शेयर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं शेयर लेके आया हूँ। इन्वेस्ट करना ना करना ये आपके ऊपर है, आपकी रिसर्च के ऊपर है। तो अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा, अगर आप बुरा इन्वेस्टमेंट करेंगे, गलत समय पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक शेयर लेकर आए हैं, नाम है क्विस्ट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। जी हाँ, क्विस्ट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इस शेयर का भाव आप देख सकते हैं 0.46 पैसे, और लगातार इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 पैसे से शेयर एक महीने में आज 46 पैसे तक आ चुका है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहा है। 6 महीने पहले ये शेयर 25 पैसे पे शेयर ट्रेड कर रहा था, अब ये शेयर जो है वो 46 पे ट्रेड कर रहा है। यानी 6 महीने में पैसे दुगना करने की ताकत ये शेयर रख रहा है, और कुछ ही समय में दुगना भी कर सकता है। तो आप इस शेयर को चेक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अपने नोटिफिकेशन में ऐड कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको इसको लगे कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि जो रिसर्च है वो बिल्कुल ज़रूरी से कर लीजिए। कंपनी करती क्या है? कंपनी बेसिकली, आप फाइनेंस है तो आप समझ ही गए होंगे, पर ये व्हीकल इक्विपमेंट एंड मशीनरी ऑल्सो प्रोवाइड लोन। ये मशीनरी व्हीकल उन सब के लिए जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, और बहुत से दूसरे जो लोन हैं, अर्निंग प्रोफेशनल चार्जेस फॉर सम क्विकली क्रेडिट इज आल्सो द प्लेयर इन द कमर्शियल व्हीकल एंड कार फाइनेंस सेगमेंट। कार के फाइनेंस सेगमेंट में भी ये अवेलेबल है, तो ये बहुत ही बढ़िया जो है उसका काम है। BSE में हाल फिलहाल ट्रेड कर रही है, मार्केट कैप 5.55 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस जैसे मैंने आपको बताया 45 पैसे का है, 46 पैसे का अब तक का यहाँ पे हाई लग चुका है और 19 पैसे का अब तक यहाँ लो लग चुका है। बुक वैल्यू इस शेयर की 3.51 रुपये की बुक वैल्यू है, और हाल फिलहाल बुक वैल्यू से काफ़ी कम में ये शेयर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फिलहाल -0.05% है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी -0.05% है। इस शेयर की जो फेस वैल्यू है दोस्तों 10 रुपये की फेस वैल्यू है। वहीं ग्राफ देख लें दोस्तों तो फ्लक्चुएशन यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का हल्का देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल होता है शेयर के ऊपर जाने का। हालांकि बहुत कम फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन थोड़ा ज़्यादा हो तो इन्वेस्ट करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी जो है वो डेट फ्री है, और अपने बुक वैल्यू से अच्छा खासा यहाँ ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। पर वहीं कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा कम है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ही आप इन्वेस्ट कीजिए, जो कि एक रिस्क ज़्यादा हो जाता है ऐसे शेयर्स में। दोस्तों इस शेयर की बात करें टोटल लाइबिलिटीज़, टोटल असेट्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के उसमें जो असेट्स है वो 43.55 करोड़ की यहाँ पे टोटल असेट्स कंपनी के पास में अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे आपको लगातार थोड़े थोड़े कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं माना जाता। मगर फिर भी अभी भी कंपनी के पास में अच्छे खासे असेट्स अवेलेबल हैं, तो अभी भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में जब मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा तो शायद इसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों देख सकते हैं, जनवरी 2018 से 2.01% की होल्डिंग जो अभी तक लगातार बनी हुई है। जून 2021 को भी यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 2.01% ही है, बाकी सारी होल्डिंग्स जो हैं दोस्तों यहाँ पे पब्लिक के पास है। 97.99% की होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास ही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग ना कम कर रहे हैं ना बढ़ा रहे। अगर इस शेयर में आपको और तेज़ी देखनी है तो जब प्रमोटर्स इसे बाय करते हैं, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे, तब आपको इस शेयर में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो नज़र बनाए रखिएगा नोटिफिकेशन में, आपको ज़रूर इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अब प्राइस परफॉर्मेंस देख सकते हैं दोस्तों, एक वीक में 2% से ऊपर, एक महीने में 18% से ऊपर, 3 महीने में 50% से ऊपर, 6 महीने के आसपास 55% से ऊपर, 1 साल में 136% से ऊपर, और 3 साल में 114% से ऊपर का मुनाफा ये शेयर ने इन्वेस्टर्स को निकाल के दिया।
हालांकि धीरे धीरे ही सही, मगर इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे इस शेयर ने इन्वेस्टर्स को निकाल के दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। और धीरे धीरे ही प्रॉफिट बढ़िया ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे सिग्नल है। वॉल्यूम की बात करें तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला कल, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल कि ये शेयर भी और ऊपर जा सकता है। और कर्ज मुक्त कंपनी जो कि बहुत ही अच्छा है, वहीं मनी कंट्रोल में एक यूज़र ने लिखा है कि बेटर टू बाय PMC फिनकॉर्प नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक, तो ये भी एक सही बात है। ये बहुत ही पैनी शेयर है, बहुत सस्ता शेयर है, तो ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जो भी है वो रिस्की हो जाता है क्विस्ट फाइनेंशियल सर्विस में। तो आप सोच समझ कर ही ऐसे शेयर्स को चॉइस करें और इन्वेस्ट करें। और भी कोई क्वेरीज है, और भी कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।